चंडीगढ़ में डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन, प्रशासन की अपील का नहीं हुआ असर, मरीज परेशान। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में स्थित सरकारी अस्पताल GMCH के 240 डॉक्टर PGJR हड़ताल पर हैं। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। कल चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से हड़ताल खत्म करने की अपील की गई थी, लेकिन डॉक्टरों पर उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। इससे अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं। चंडीगढ़ के हेल्थ फैक्ट्री ने की थी अपील। कल चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हेल्थ सेक्रेटरी अजय शक्ति ने सभी डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर के द्वारा रखी गई सभी मांगों पर चर्चा चल रही है, जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। इस तरह हड़ताल करने से काम प्रभावित होता है, इसलिए डॉक्टरों को जल्द से जल्द हड़ताल खत्म कर काम पर आना चाहिए। सातवें पे कमीशन की कर रहे हैं मांग। हड़ताल पर गए डॉक्टर केंद्र की तर्ज पर सातवें कमीशन की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चंडीगढ़ में अप्रैल से केंद्रीय वेतनमान लागू हो गया है, जबकि उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। जल्द से जल्द उन्हें यह वेतनमान और अप्रैल से अब तक का बकाया दिया जाए। सेक्टर 16 अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या। सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सेक्टर 16 और PGI की इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सेक्टर 32 में सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट ही मरीजों को देख रहे हैं, इस कारण वहां पर मरीजों को इलाज में काफी समय लग रहा है। इससे बचने के लिए मरीज सेक्टर 16 और PGI की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। आज बैठक की संभावना। चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारी हॉस्पिटल प्रशासन के साथ मिलकर हड़ताल पर गए डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टरों के साथ वे पे कमीशन की फाइल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वित्त विभाग को भेजी थी, जिसमें वित्त विभाग की तरफ से कुछ आपत्तियां लगाई गई थी। अस्पताल प्रशासन द्वारा वित्त विभाग द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ कल इस फाइल को दोबारा से वित्त विभाग को सौंपा गया है।
ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।